तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे अपने गेम लूप को एंड्रॉइड 7.1 नोगेट में अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि लैग जो है, जैसे कि एनिमीज हमारे सामने आ रहे हैं, एनिमी की गाड़ी बहुत दूर से आ रही है, तो हम लोग कहते हैं कि लैग हुआ, ठीक है, तो उस लैग को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वो लैग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है लो एंड पीसीज वालों को भी और हाई एंड पीसीज वालों को भी। मैंने अभी नया पीसी लिया है, इसमें भी मेरे में जो रेंडर लैग है वो हो रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है एंड्रॉइड 7.1 करने के बाद। तो मैं डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ इस वीडियो से पहले, मैं भी दे दूंगा टेक्स्ट वाला जो होता है, पर मैं फिर से दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ब्रॉडबैंड या वाईफाई है, और उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन पर डेटा है। और अगर आप डेटा से इसको करना चाहते हो प्रोसेस को, तो आपको 3 या 4 GB डेटा चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पीसी में आयोबिट अनइंस्टॉल को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, आयोबिट अनइंस्टॉलर को, ठीक है। तो उसके लिए आपको गूगल पे ये लिख देना है आयोबिट अनइंस्टॉलर, मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, कोई बात नहीं। तो ये वाला प्रोसेस अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको आयोबिट अनइंस्टॉलर से अनइंस्टॉल कैसे करते हैं किसी एप्लीकेशन को पता है, तो आप इस वीडियो को वीडियो को नहीं, इस पार्ट को टोटली स्किप कर सकते हो। और इस पार्ट को स्किप करने के लिए मैं आपको एक टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आप परेशान मत होना। अब आपको क्या करना है, इसको लिखने के बाद कोई सी भी वेबसाइट पर जाना है और इसको नॉर्मली डाउनलोड कर लेना जैसे हम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे इधर से, अब हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर पे या दिस पीसी पे, उसके जाने के बाद हमें डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे हम जैसे ही जाएंगे हमें आयोबिट इंस्टॉलर को फाइंड करना है ऑब्वियसली, और यहां से इंस्टॉल कर लेना है। आपको इंस्टॉल करना है, आपको इसका पेड वर्जन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमारा आयोबिट अनइंस्टॉलर जब खुलेगा तो वो ऐसा दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है गेम लूप। जब आप यहाँ पे गेम लूप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे गेम लूप आएगा, आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है। और जब आप उसको अनइंस्टॉल करेंगे आपको इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि इसमें जब आप पहले आप गेम लूप जब अनइंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आएगा क्लीन द रेसिडुअल फाइल्स, जो कि गेम लूप के बाद रह जाएंगी, तो उसे भी क्लीन करना है, ठीक है, उसको निकालना नहीं है। उसके बाद जब आप अनइंस्टॉल कर लो, अब आपको जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको गेम लूप लिखना है गूगल पे, और आपको ये वाली वेबसाइट खोल लेनी है gameloop.mobile, ठीक है। इसे खोलने के बाद आपको जाना है गेम लूप 3.2 पे जाने के बाद आपको ऐसा एक कुछ वेबसाइट दिखेगी, उसके बाद आपको चाइना पे क्लिक कर देना है। हाँ चाइना वाला इंस्टॉल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इसको नॉर्मली इंस्टॉल कर लेना है, कोई बात नहीं है यार, ठीक है। चाइना वाला जब आप इंस्टॉल कर लोगे, अब आपका लाइक मोस्टली काम हो चुका है, तो आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल खोलनी है इधर से और इस पर क्लिक कर देना है इस चीज़ पे। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे नॉर्मल वाले गेम लूप की तरह, आप इसको खोल लेना, तो इसको हम खोलते हैं यहाँ से। तो जब आप अपना गेम लूप खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा चाइनीज़ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी डाउनलोडिंग चल रही होगी, तो आपको क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ये आएगा आपका, और आपको यहाँ क्लिक कर देना है, तो आपके जितने भी फालतू के जो गेम डाउनलोड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली जो होते हैं, तो उसको आपको हटा देना है, ठीक है। अब बिल्कुल ये ध्यान से सुनने बाद, हमको सबसे पहले इंस्टॉल करना है पबजी इसी चाइनीज वाले गेम लूप पे रह के। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना, और जब तक वो खुल ना जाए पबजी एंड्रॉयड एमुलेटर के अंदर तक खुल ना जाए, जब तक आपका 7.1 वाला एमुलेटर खुल ना जाए, तब तक आपको वेट करना है इसके इंस्टॉल होने का पूरा कंप्लीटली, ठीक है। जब आपका पबजी इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको गेम लूप को बंद कर देना है और एंड्रॉयड एमुलेटर को भी बंद कर देना है। ऐप मार्केट यहाँ से बंद हो जाएगी। हाँ, अब इसके बाद काफ़ी ज़रूरी पार्ट आता है, अगर आपको गेम लूप को चाइनीज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको विंडोज़ की प्लस R दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रेजिडिट रजिस्ट्री एडिटर, जिससे खुल जाएगा, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो चीज़ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, एग्जैक्ट यही चीज़ दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र लैंग्वेज नाम की एक की दिखेगी, आपको इसे डबल क्लिक करके खोलना है, और यहाँ पे होगा ZH और CN, CN मतलब चाइना और ZH जो भी वहाँ की लैंग्वेज है चाइनीज जो है, तो यहाँ पे ZH की जगह आपको लिखना है EN और अंडरस्कोर लगाना है एक, और यहाँ पे आपको लिखना है US, ठीक है, इंग्लिश US, ओके कर देना।
बंद कर देना रजिस्ट्री एडिटर को और आपको दोबारा से खोलना है आपका गेम लूप। तो जब आप अपना गेम लूप खोलोगे तो उसके बाद आपका इंटरफेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जब आप पबजी को स्टार्ट करोगे तो मैं आपको पबजी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली दिखाना ही है तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। प्रूफ, और आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा 10 प्रोटेक्ट वाला एंटी चीट लग जाएगा जिससे कि आपका बैन अकाउंट हो जाता है ना कुछ लोगों का बेवजह, तो आपका इससे वो भी नहीं होगा, अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा आपका। और सरप्राइज, आपका यहाँ पे ऊपर ये आ चुका है नोगट। और अगर आपको देखो गेम प्ले वगैरह देखना है तो गेम प्ले मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा पाऊँगा, तो आप खुद ही ट्राई कर लेना। वाईफाई अगर है, मैंने बोल दिया था ना कि जिन पे वाईफाई है वो खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, अगर वाईफाई है तो। तो हमारा पबजी बिल्कुल नॉर्मली खुल चुका है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे जो लॉबी हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आजकल जो फिनिक्स वॉइस की लॉबी है और गेम लूप की लॉबी है उन्हें सेपरेट कर दिया गया है। फिनिक्स वॉइस नहीं, जो थर्ड पार्टी एमुलेटर की लॉबी है उन्हें सेपरेट कर दिया गया है गेम लूप से, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गेम लूप की ही लॉबी आएगी, अब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मेरी कैरेक्टर आईडी, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहाँ मेरा, हाँ ये रही कैरेक्टर आईडी, ओके। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, तब तक के लिए यार बाय।